प्लीज आप आइए छोड़ो मुझे मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ देखो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी मॉम ये आपका घर है देखिए नहीं नहीं आपको कंप्लेन करना है ना कर दीजिएगा लेकिन प्लीज अभी अंदर चलिए छोड़ो मुझे कौन हो तुम मैं नहीं जानती तुम्हें हाय हाय अरे मॉम सागर जी ये क्या कर रहे हो आप पागल तो नहीं हो गए मम्मी जी को ऐसे खींच के क्यों ला रहे हो छोड़ो और मॉम आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं अरे ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा प्लीज अभी रास्ता छोड़ो मैं बोल रहा हूं ना बाद में बताऊंगा अब अंदर चलिए अरे पर ऐसे अंदर चलिए सागर भैया अरे खोलो दरवाजा क्या है क्यों बंद कर दिया सागर जी ये सब क्या हो रहा है अपने सासू माँ को रूम में क्यों बंद कर दिया और वो ऐसे क्यों बोल रही है जैसे वो आपको जानते ही नहीं वही मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मॉम को आखिर क्या हो गया है अरे व्हाट डू यू मीन सागर भैया आप ही तो मॉम को वकील के ऑफिस लेकर गए थे ना हाँ सोनिया भाभी मैं लेके गया था लेकिन वकील साहब के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद जो हुआ है अगर वो मैं आप सबको बताऊं तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा सागर जी क्यों ऐसा क्या हो गया बताइए ना जल्दी से मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैं तो टेंशन में आ रही हूँ सुनो मैं बताता हूँ देखो हुआ यूं कि मैं और मॉम वकील साहब के ऑफिस से बाहर निकले फिर बाहर आके मैंने ड्राइवर को फोन किया कि पार्किंग से गाड़ी लेके आओ उसके बाद सामने से आप ठीक है मॉम चोट तो नहीं आई चलिए उठिए अरे सागर छोड़ो उस लड़की को और आकर मुझे उठाओ देखिए आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप आपकी मम्मी को जाकर उठाइए भाई साहब भाई साहब ये लड़की जब तुझे स्कूटी चलानी आती नहीं तो स्कूटी चलाती क्यों है प्लीज आप मुंह संभाल के बात कीजिए देखिए आंटी आई एम सॉरी मैं जरा जल्दी में थी अरे जल्दी में थी तो क्या लोगों को कुचलते हुए जाओगी देखिए आंटी मैंने आपको जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी वो क्या है ना कि मेरा हाथ फंस गया था और हैंडल मुड़ गया तो वो ब्रेक मारने के चक्कर में मेरा बैलेंस नहीं रहा और मैं आप में जाकर टकराई बस बस ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है तुम जैसे यंगस्टर्स को तो रैश ड्राइविंग करने की आदत होती है एक मिनट मॉम ये आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप दोनों ये क्या बात कर रहे हैं एक तो तुमने मेरी मॉम को टक्कर मारी और तुम मुझ पे चिल्ला रही हो अरे इस लड़की ने तुम्हारे सामने मुझे स्कूटी से टक्कर मारी और तुम मुझसे ही बहस कर रहे हो देखिए आप दोनों आपस में मत झगड़िए मैं आप दोनों से माफी मांग लेती हूँ सॉरी आंटी जी सॉरी भाई साहब मॉम फिर से भाई साहब अरे मॉम आपको छोड़िए ना मुझे ठीक है ना मॉम मैं सागर मॉम सागर अरे सागर तुम्हें क्या हो गया है और तुम इस लड़की को मॉम क्यों बुला रहे हो ये क्या हो रहा है ये लड़की मॉम की तरह और मॉम उस लड़की की तरह बात क्यों कर रहे हैं अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो चलो मॉम क्या हुआ मॉम आपको देखिए भाई साहब मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी आप जाइए यहाँ से सागर चलो अरे मॉम मॉम आप स्कूटी में क्यों चढ़ रही हैं मॉम अपनी गाड़ी वहाँ है आप स्कूटी उतरिए स्कूटी से उतरिए अरे फेंको स्कूटी को छोड़ो अरे छोड़ो आप मेरे साथ चलिए अरे छोड़ो मुझे देखो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी छोड़ो बाहर आइए अरे आप छोड़ो ना मुझे कहाँ ले जा रहे हैं अरे हमारी गाड़ी है अरे भाई साहब छोड़िए ना ये मेरी गाड़ी नहीं है अरे ये क्या बदतमीजी है सागर तुमने मुझे कार से बाहर क्यों उतार दिया प्लीज बख्शो हमें सागर अरे ये क्या कर रहे हो छोड़ो उस लड़की को अरे कहाँ ले जा रहे हो उसे सागर सागर क्या हो रहा है पागल हो गए हो क्या अरे सागर रुको अरे मुझे क्यों उतार दिया अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो सागर सागर अरे छोड़ो उस लड़की को सागर अरे आप मुझे अरे सागर छोड़ो उसे अरे छोड़ो उस लड़की को सागर समझे हाँ हाँ हाय हाय ओह माय गॉड ओह माय गॉड वन नहीं ओह माय गॉड टू कहीं वो लड़की ने मैडम पे जादू टोना तो नहीं किया
जादू। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पापा। ये तो ओ माय गॉड थ्री है, थ्री। अरे नहीं नहीं, जादू टोना नहीं है, लेकिन कुछ अजीब सा हो गया है। हाँ। ये तो पक्का है। सागर, सागर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहां कार में छोड़ के आने की? और उस लड़की को कार में बिठा के तुम कहां ले गए? ओ हेलो मैडम, तुम होती कौन हो मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे बातें करने वाली? अपनी सास से इस तरह बात करते हैं क्या? पहले इस बात का जवाब दो तुम। सास, सास, मेरी सास? अच्छा, एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और मेरी मम्मी जी की तरह क्यों बातें कर रही हो? मैं तो अनसुया हूं, लेकिन तुम सबको क्या हो गया है? Excuse me, don't act so smart, okay? आप मॉम की तरह बात करके साबित क्या करना चाहते हो? हाँ हाँ, यही कि तुम डफर हो सोनिया। सोनिया? तुम सब क्या पागल हो गए हो जो मुझे पहचान नहीं रहे हो? मही, भाभी, अरे ये वही स्कूटी वाली है जिससे मॉम टकराई थी। ओ हेलो, क्या खुशी खुशी हो रही है वहाँ पे? कुछ नहीं। दरवाजा खोलो। I don't believe this, सागर। तुमने उस लड़की को कमरे में बंद करके रखा है? ओ भागो। मुझे निकालो यार जल्दी। ये लड़की कौन है तू? आंटी मैं निधि शाह हूँ। देखिए मैं मानती हूँ कि मैं गलती से आपसे टकराई, लेकिन मैंने उसके लिए माफी भी मांग ली थी। पता नहीं क्यों ये आदमी मुझे जबरदस्ती यहाँ घसीट कर ले आया। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। सागर, ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों इस बच्ची को यहाँ पे ऐसे बंद करके रखे हुए हो? बच्ची? आंटी मुझे लग रहा है मेरे पापा ने इसे भेजा होगा मुझे किडनैप करने के लिए। नहीं बेटा, ये किडनैपर नहीं है, ये मेरा बेटा सागर है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे पापा तुम्हें किडनैप करने के लिए किसी को क्यों भेजेंगे? आंटी क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं जिग्नेश के साथ शादी करूं। शादी? मॉम, अरे मॉम मॉम मॉम, आपको पता है 32 इयर्स पहले आपकी शादी हो चुकी है। शट अप सोनिया, ये मजाक करने का समय नहीं है। मेरी शादी 32 साल पहले हो चुकी है, ये सबको पता है, लेकिन इस समय हम इस लड़की की बात कर रहे हैं। हाँ तो निधि बेटा, क्या कह रही थी तुम? आंटी मैं जिग्नेश से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये मंजूर नहीं है, इसलिए वो लोग हमें अलग कर देना चाहते हैं। अच्छा, तुम दोनों बालिग हो? जी हाँ, हम दोनों बालिग हैं और एक दूसरे की मर्जी से शादी कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों की शादी हो कर रही है। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। ये लो फोन और लगाओ फोन जिग्नेश को और बुलाओ उसे यहाँ पर। मॉम नहीं लगाना। पर आंटी आप हैं कौन? मेरा नाम अनसुया मेहता है और मैं विकास पार्टी की फाउंडर हूँ। लो